उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 25 दिसंबर को रेलवे लाइन में मिली छात्रा की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर बांदा रोड पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर शव को फेंका गया था, पर पुलिस मामले को दबाने के लिए बलात्कार को छुपा रही है। परिजन डॉक्टरों का बड़ा पैनल बनाकर दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर डीएम और एसपी ने भी परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। इस बात को लेकर भी परिजनों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिले में 25 दिसंबर की सुबह सुमेरपुर थाना इलाके में रेल पटरियों पर 17 साल की छात्रा की लाश मिली थी। इंटर में पढ़ने वाली यह छात्रा सुबह 5 बजे कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी और 7 बजे उसका शव रेलवे लाइन पर मिला था। पुलिस ने 26 दिसंबर को उसका पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें सिर में 3 गहरी चोटों के अलावा एक हाथ में फ्रैक्चर पाया गया था, पर बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। छात्रा के परिजन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने आज अंतिम संस्कार करने से इनकार कर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और बड़ा पैनल बनाकर दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी परिजनों को समझा बुझा कर अंतिम संस्कार करने के लिए मना रहे हैं। एसपी का कहना है कि मृतिका का 2 डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आप लोगों ने जाम क्यों लगाया? हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी बहन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ हो सकता है, इसलिए इंसाफ चाहिए। हमें मुलजिम पकड़ा जाए तभी शांति संस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसको बहुत बुरी से बुरी सजा दी जाए, उसको खड़ा गोली मारी जाए, जिसकी गोली मारी गई है जैसे उसके साथ हुआ उसके वैसे उसके साथ भी हो जिसने किया हो। ये पुलिस कर्मचारी लीपापोती करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ हम ऊपर तक जाएंगे। क्या मामला है आपकी? अपनी भतीजी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, क्या घटना हुई थी उसके साथ? हमारी भतीजी दिनांक 25 तारीख को 5:30 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी, उसका कुछ अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया और संभावना है कि उसका साथ में बलात्कार हुआ और उसको ना गोली मारी गई और उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मुकामी पुलिस ने 26 तारीख को पोस्टमार्टम कराया, जिसमें वो कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया, ये सब लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमें बलात्कार का कुछ सब नहीं मिलता, तब तक हम उसको बॉडी डिस्पोज नहीं करेंगे। और हमने हाईकोर्ट में भी मांग की है कि हमारी बेटी के साथ में न्याय मिलना चाहिए। और ये जो बलात्कार हुआ है, अगर बॉडी डिस्पोज हो जाएगी तो फिर उसका फिर मेडिकल बोर्ड और इसमें ये कुछ निकलेगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बॉडी डिस्पोज ना हो और मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पुनः पोस्टमार्टम हो और हाईकोर्ट की निगरानी में हो। बच्चे की डेड बॉडी कहाँ मिली थी? ये रेलवे पटरी के पास में मिली है। सर, पीड़ित बच्ची के परिजन जो है दोबारा हाईकोर्ट के जज साहब की निगरानी में पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दाह संस्कार नहीं होगा, जब तक उसका दोबारा पोस्टमार्टम ना हो जाए। इस समय मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम के लिए इनके परिवारजनों ने पैनल से और वीडियोग्राफी के द्वारा जो है मांग की थी, तो डॉक्टरों का पैनल नामित करते हुए और वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है। और उनकी जो भी मांग है उसके अनुरूप इसमें यथावश्य शीघ्र कार्रवाई कराई जाएगी। उनका कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस संबंध में हम परिवारजनों से बात कर रहे हैं और उनकी जो भी समस्याएँ हैं उनका जो मांग है तदनुसार कार्रवाई करते हुए इस समस्या के निराकरण का प्रयास करेंगे। सर, 3 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा की डेड बॉडी मिली थी, तो उसमें पुलिस ने अभी तक क्या किया? देखिए, थाना सुमेरपुर में रेलवे ट्रैक है, उसमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी एक लड़की की। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो ड्यू टू हेमरेज एंड शॉक आया है एंटीमार्टम इंजरी के चलते। इसमें वीडियोग्राफी के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया और पैनल के द्वारा करवाया गया
और इसमें हमारी टीमें लगा दी गई हैं, आसपास की सीसीटीवी वगैरह सभी चीज़ हम लोग चेक करवा रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और क्या परिस्थितियां थी, क्या ये घटनाक्रम था, ये सभी स्पष्ट करने के लिए हमारी टीमें तत्पर हैं। कुछ हमारे पास लीड्स भी हैं जिन पर कि हम काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस पूरी घटना का अनावरण हो। परिवार वालों का आरोप है घटना के 3 दिन हो गए, पुलिस अभी किसी क्लू तक नहीं पहुँची है, इसी के चलते उन लोगों ने आज जाम भी लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, परसों सुबह डेड बॉडी मिली थी, फिर शिनाख्त हुई थी और कल जाके पोस्टमार्टम हुआ है, कल शाम देर शाम तक पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है। उसके आधार पे और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है, हमारी टेक्निकल टीमें भी लगी हुई हैं, इसमें निरंतर प्रयास हो रहा है, जल्द से जल्द सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। परिवार वालों का आरोप है कि नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसको गोली मारी गई है, तो आपका क्या? देखिए, पोस्टमार्टम भी हुआ है, वीडियोग्राफ्ट हुआ है, इसमें अभी तक ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्ट की कोई चीज़ नहीं आई है, फिर भी हम लोग इसमें फॉरेंसिक जांच के लिए और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेंसिक टीमों को बुलवा रहे हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।